गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ गिरीश। दोस्तों, आज हम ब्लेंडर में कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसे भी हमारे एनिमेशन को सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके आगे के तीन वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर नेविगेशन के बारे में बताया, उसका इंटरफेस पूरा समझाया, और आज हम दोस्तों सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के फंडामेंटल जो है उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म एंड सिलेक्शन में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट कैसे करना है, उसकी यहाँ पे चार मेथड दी हैं। एक तो ऑप्शन है सिलेक्ट, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। कैमरे को सिलेक्ट करना है, लाइट को सिलेक्ट करना है, आप क्रॉसिंग विंडो नहीं कर सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट बॉक्स है, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स में जितने भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहे हो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी मेरे चार ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मूव टूल है, अरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, बॉक्स, कैमरा है एंड लाइट है। यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो जितने भी इस बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट मेरे आ रहे हैं वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ बॉक्स पे विंडो बना तो खाली बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स पे सिर्फ मेरी डॉटेड लाइन जो है वो अटैच हो रही है तो भी बॉक्स मेरा सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि ये जो क्रॉसिंग विंडो है उस डॉटेड लाइन के अंदर जहाँ जहाँ ये लाइन मूव करेगी या तो फिर एक बॉक्स के अंदर जो भी मेरे ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया, अब इस क्यूब को मैं यहाँ से यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स टूल ले रहे हैं और सिंपल मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। तो अभी ये जो पोर्शन है उसमें चार चीज़ें आ रही है, एक स्पीयर पे ये मेरी लाइन आ रही है डॉटेड तो स्पीयर भी सिलेक्ट हो जाएगा, बॉक्स पे लाइन आ रही है तो बॉक्स भी सिलेक्ट हो जाएगा, और बॉक्स के एग्जैक्ट यहाँ पे उसका जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है यानी कि हमारा गिज्मो है वो भी आ जाता है। तो तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तीनों मेरे साथ एक साथ मूव हो रहे हैं और उसको मुझे रोटेट करना हो तो रोटेट भी होंगे। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे ये डॉटेड लाइन जिस जिस ऑब्जेक्ट को अटैच करेगी वही ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, एक तीसरा ऑब्जेक्ट लिया, एक चौथा ऑब्जेक्ट लिया, पांचवा ऑब्जेक्ट लिया, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ से मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा सिलेक्ट बॉक्स, और यहाँ पे इस बॉक्स में ये कम्प्लीटली जो आ रहे हैं वो भी सिलेक्ट होंगे और ये जो डॉटेड लाइन आ रही है वो जहाँ जहाँ अटैच होगी वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक ये सिलेक्शन मेथड है, पहला मैंने आपको समझाया सिंपल सिलेक्ट, जिस पे आप क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगा। एंड थर्ड है सिलेक्ट सर्कल, आप सर्कल को जहाँ जहाँ ऐसे मूव करेंगे क्लिक एंड ड्रैग वो सारे ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो एक सर्कल मेथड है सिलेक्ट सर्कल, एक सिलेक्ट लैशो है जहाँ पे भी हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग लैशो, फोटोशॉप में आपने देखा होगा एक ये टूल सिलेक्ट करने के एक करने तो दो सिलेक्ट होंगे, इसमें से मुझे ये वाला एक चाहिए, एक ये वाला चाहिए, एक ये वाला चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो लैशो टूल के एरिया में आ रहे वही ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो रहे, बाकी के नहीं होंगे। तो ये है एक सिलेक्ट लैशो टूल, सिलेक्ट सर्कल, सिलेक्ट बॉक्स एंड सिंपल सिलेक्ट एंड मूव। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमारा क्रसर है, ये जो आप देख रहे हैं क्रसर, इसको अगर मुझे मूव करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से कहीं पे भी रखना है तो क्रसर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मूव, शॉर्टकट है इसका जी, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे डायरेक्शन चेंज करना है तो हम सिंपल यहाँ से जी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से,
तो भी ये टूल एक्टिव हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से डायरेक्टली आप क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और कौन से डायरेक्शन में आपको इसको मूव करना है। सपोज मुझे अभी करना है वाई डायरेक्शन में, तो सिंपल आप वाई, जैसे मेरा माउस वाई पे जाएगा तो वो थोड़ा हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो ये चीज़ बता रहा है कि आप इस पे क्लिक करके अभी इस एक्सिस को आप मूव कर सकते हैं, इस एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट आइटम देन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने क्लिक किया तो एक्स एक्सिस में ही ऑब्जेक्ट मूव होगा। उसके बाद है जी एक्सिस, जी एक्सिस में मुझे मूव करना है तो जी एक्सिस में ही मूव होगा। उसके बाद है मुझे जी एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में मूव करना है, ना तो मुझे खाली वाई एक्सिस में मूव करना है ना तो मुझे सिंपल जी एक्सिस में मूव करना है, मुझे दोनों एक्सिस के सेंटर में ऐसे मूव करना है दोनों। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अभी जो ये मूव हो रहा है वो सिंपल वाई एंड जी एक्सिस पे ही मूव, यानी ऊपर और साइड में ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, आपको देखेगा पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर आपको दो एक्सिस में एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं तीन, जैसे मुझे अभी करना है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ से वाई एंड एक्सिस पे ही मूव कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ से करना है एक्स एंड जी एक्सिस, तो भी हम एक्स में जा सकते हैं ऐसे और जी एक्सिस पे जा सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एक्सिस में भी हम मूव कर सकते हैं और दो एक्सिस को मिला के भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट भी है दोस्तों, इसका जो शॉर्टकट है वो आर है, अरे जी है, जी प्रेस करेंगे देन हम प्रेस करेंगे कौन से एक्सिस में हमें मूव करना है। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एक्स अगर प्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस में हम मूव कर सकते हैं, वाई एक्स प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, जेड एक्सिस में अगर मुझे मूव करना है तो सिंपल जेड प्रेस करना है तो जेड एक्सिस में ही मूव होगा, वाई एक्सिस प्रेस करेंगे तो वाई एक्सिस में मूव होगा, एक्स एक्सिस प्रेस करेंगे तो एक्स एक्सिस में प्रेस होगा। ठीक है, पेज अप करेंगे और वाई प्रेस करेंगे, ठीक है, तो भी यहाँ से आप शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं तो दोनों एक्सिस में मूव होगा जेड एंड एक्स, शिफ्ट प्रेस करके आप वाई में प्रेस करते हैं तो जेड एंड वाई होगा, शिफ्ट के साथ आप अगर एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स में मूव होगा। ठीक है, सिंपल आप जी प्रेस करो देन आप प्रेस करो एक्स, और अब आप दूसरा कौन से एक्सिस में आपको दोनों ले जाने हैं, जैसे मैंने एक्स किया और मुझे वाई में भी ले जाना है तो सिंपल शिफ्ट दबा के आप वाई प्रेस करो तो एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में ही मूव ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने जी प्रेस किया देन मैंने प्रेस किया जेड, जेड में मुझे यहाँ पे ऐड करना है 20 मीटर, तो 20 मीटर जो है मेरा वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, डायमीटर भी आप दे सकते हैं, डिस्टेंस 20 मीटर, 20.01 मीटर अलॉन्ग ग्लोबल जेड, जेड एक्सिस पे मूव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया जी देन प्रेस किया जेड देन प्रेस किया मैंने टू, तो अभी ये 2 मीटर जो है मूव हुआ, देन मुझे दूसरा 2 मीटर चाहिए तो 22 हो गया। जैसे मुझे 4 मीटर मूव करना है, 1 मीटर ही मूव करना है, तो वो आप डायरेक्टली डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं कि इसी जेड एक्सेस में मुझे 2 मीटर 3 मीटर, यानी कि आप यूनिट के हिसाब से अगर आपको काम करना है परफेक्ट डायमीटर ऐड करके, परफेक्ट वैल्यू ऐड करके अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको इसका शॉर्टकट याद रखना है जी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा टूल वो है रोटेट टूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट है आर, सेम इसी में आपको तीन दो तरह के सर्कल दिख रहे हैं, एक जो सर्कल है वो अंदर जो हाईलाइट हो रहा है आप अभी देखेंगे, ये हाईलाइट हो रहा है, ये जो है उसका ये ऑब्जेक्ट का पिवट से लेके आप रोटेट कर सकते हैं, और ये है जो ये ग्लोबल है रोटेट सिलेक्ट आइटम शॉर्टकट क्विक लेफ्ट। ठीक है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, ये अंदर के ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा,
और ये वाला जो पोर्शन है वो बाहर से रोटेट करेगा। ठीक है, अभी मुझे सिंपल वाई में रोटेट करना है, तो वाई को प्रेस करेंगे तो वाई में ही रोटेट होगा। हाँ, एक्स में रोटेट करना है तो एक्स, रेड यानी एक्स है, ग्रीन यानी वाई है, और ब्लू यानी जेड है, जेड एक्सिस में रोटेट करना है। अब परफेक्ट वैल्यू ऐड करके भी आप रोटेट कर सकते हैं, और सिंपल मुझे यहाँ पे वाई और एक्स दोनों में रोटेट करना है, तो ये बाउंड्री दिख रही है इन दोनों के बीच में, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ऐसे इस एंगल से मुझे रोटेट करना है तो इस एंगल से कर सकते हो, इस एंगल से रोटेट करना है तो इस एंगल से, जो भी आपको एंगल सेलेक्ट करके रोटेट करना है, दो एंगल में रोटेट करना है, सिंगल एक्सिस में रोटेट करना है, डबल एक्सिस में रोटेट करना है, तो भी आप कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट है आर, आर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रोटेशन चालू हो जाएगा, और आपको कौन से एक्सिस में इसको रोटेट करना है, जैसे मुझे करना है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मुझे करना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आप डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर दो, 45 डिग्री में रोटेट हो गया, देन प्रेस एंटर करें तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल आप आर प्रेस करो, आर प्रेस करने के बाद यहाँ से दे दो आप वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपको 10 डिग्री रोटेट करना है, तो 10 डिग्री लिख दो, उसके बाद रोटेट करो, देन आप नीचे देख रहे हो स्नैप टू टॉगल है, जी फॉर मूव है, आर फॉर रोटेट है, एस फॉर रीसाइज है। मैं सिंपल एस प्रेस करता हूँ तो ये रीसाइज हो जाएगा यानी स्केल हो जाएगा, जी प्रेस करूँगा मैं तो ये मूव हो जाएगा, आर प्रेस करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ एक्स प्रेस करो तो एक्स में ही रोटेट होगा, शिफ्ट के साथ में वाई प्रेस करो तो वाई में ही रोटेट होगा, शिफ्ट के साथ में जेड प्रेस करो तो जेड में ही रोटेट होगा, और ये जितने भी हमने पोजीशन चेंज किए वो सब हमें क्लियर कर देना है, तो सिंपल सी प्रेस करेंगे तो जो उसकी जैसी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, स्नैपिंग करना है तो यहाँ पर स्नैपिंग के लिए भी दिया है कि आप स्नैप के साथ भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेट टूल, उसके बाद है हमारा स्केल टूल, सिंपल हमें स्केल करना है, वाई एक्सिस में स्केल करना है, जी एक्सिस में स्केल करना है, या तो फिर हमें एक्स एक्सिस में स्केल करना है, जो कोई भी एक्सिस में हमें स्केल करना हो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद हमें दो एक्सिस में एक साथ रोटेट करना है, वाई एक्सिस देन जेड एक्सिस, तो यहाँ से आप दो एक्सिस में स्केलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से दो एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस में मुझे रोटेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है एस, एस फॉर स्केल। ठीक है, स्केल करना हो आपको डायरेक्ट तो एस प्रेस करो तो डायरेक्टली स्केल हो जाएगा, ओनली फॉर वाई एक्सिस में करना है तो वाई प्रेस करो, एक्स एक्सिस में करना है तो एक्स एक्सिस प्रेस करो, जी एक्सिस में करना है तो जी एक्सिस प्रेस करो, तो पर्टिकुलर आप एक्सिस में भी आप स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्केल। उसके बाद है यहाँ से दोस्तों ट्रांसफॉर्म टूल, तीनों एक साथ आ जाएंगे, स्केल करना है तो स्केल कीजिए, रोटेट करना है तो रोटेट कीजिए, मूव करना है तो मूव कीजिए, जो कुछ भी आप करना है एक ही साथ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, इसका शॉर्टकट टी है, शिफ्ट स्पेस बार टी, देन आप यहाँ से इसको यानी कि आपको तीनों एक साथ मिल जाएंगे, स्केल रोटेट एंड मूव, आप मूव भी कर सकते हो, देन आप रोटेट भी कर सकते हो, देन आप स्केलिंग भी कर सकते हो, तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारा, तीनों टूल के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरे बहुत से शॉर्टकट है जिसका हम यूज़ करके, जैसे ए प्रेस करेंगे तो जितने भी मेरे सीन में ऑब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑल्टर ए प्रेस करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, एक बार ए प्रेस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑल्टर ए प्रेस करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म में यहाँ वर्टेक्स एजिस फेसिस पे भी आप अलाइनमेंट देके इसको मूव रोटेट स्नैपिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ अभी ग्लोबल है, ग्लोबल के हिसाब से मुझे नहीं करना है, लोकल एक्सिस पे मुझे इसको रोटेट मूव स्केल करना है, तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर दो, यहाँ से लोकल कर दो, यहाँ से मूव टूल ले लो, अभी अपने खुद के एक्सिस पे मूव होगा, खुद के एक्सिस पे रोटेट होगा, खुद के एक्सिस पे ग्लोबल एक्सिस पे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है उसके हिसाब से आप यहाँ से गिज़मो, यहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल रखना हो, गिम्बल रखना हो,
व्यू के हिसाब से रखना है, कर्सर के हिसाब से रखना है, मुझे अभी ग्लोबल रखना है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ग्लोबल होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रांसफॉर्म और सिलेक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट में जाके ऑल सिलेक्ट एंड ए, देन ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो नन हो जाएगा। यहाँ से इनवर्ट सिलेक्शन करना है तो इनवर्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल आई है इसका शॉर्टकट। बॉक्स सिलेक्शन मुझे करना है कि इतना बॉक्स बना के इतने में मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने चाहिए, तो भी आप यहाँ सिलेक्ट में जाके बॉक्स सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से बॉक्स बना के इतने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है सर्कल सिलेक्शन, शॉर्टकट है सी, सर्कल आ जाएगा और जहाँ जहाँ पे वो सर्कल अटैच होगा वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो सर्कल की साइज़ जो है आप स्क्रोलिंग विंडो से छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ से साइज छोटा बड़ा करना हो तो स्क्रोलिंग से आप कर सकते हैं, मिड माउस मिडल क्लिक से। उसके बाद है दोस्तों यहाँ सिलेक्ट ऑल बाय टाइप, टाइप के हिसाब से करना है। जैसे मैश वाले ऑब्जेक्ट है वही सिलेक्ट करना है, कर्व्स से मैंने कुछ वर्क किया तो कर्व्स के सिलेक्ट करना है, मेटा टैग सिलेक्ट करना है, फॉन्ट ही खाली सिलेक्ट करना है, एम्ब्रेचर सिलेक्ट करना है, लेटिक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने डाले वो। अब टाइप बाय टाइप आप भी यहाँ से सिलेक्ट, खाली लाइट ही सिलेक्ट होना चाहिए तो लाइट ही मेरी यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। कैमरा मुझे सिलेक्ट करना है सिंपल, तो सिलेक्ट टाइप में जाइए, यहाँ कैमरा पर क्लिक कीजिए, कैमरा आ जाएगा। सिलेक्ट में जाइए, सिलेक्ट टाइप में जाइए, यहाँ से ले लीजिए आप प्रॉप सिलेक्ट करना है, लाइट करना है, स्पीकर, यानी कि आप अलग अलग टाइप के हिसाब से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्ट एक्टिव कैमरा, जो भी हमारा कैमरा अभी एक्टिव है, जैसे मैंने दो तीन कैमरे रखे हैं उसमें से कौन सा एक्टिव है वही सिलेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। मिरर सिलेक्शन करना है, यानी उल्टा ये है उसके हिसाब से दूसरा जो इसका मिरर है वही सिलेक्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट रैंडमली, रैंडमली मुझे कुछ भी सिलेक्ट करना है तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट मोर लेस, सिलेक्ट मोर और मुझे इसमें ऐड करना है, लेस करना है तो लेस, जैसे ये कभी एक ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट मोर यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट मोर यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट मोर हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट लेस करना है, सिलेक्ट मोर करना है, पेरेंट को सिलेक्ट करना है, चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, एक्सटेंड पेरेंट करना है, एक्सटेंड चाइल्ड करना है, सिलेक्ट ग्रुप यानी पे जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लिंक एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट अगर लिंक है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्शन के, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिलेक्ट के बारे में आपको मैं मुझे बताना चाहिए था वो शायद मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम ऐड एंड डिलीट कैसे कर सकते हैं ब्लेंडर 2.8 में, उसका एक मैं वीडियो कल बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।